लेकिन जिसके वो 11th वाले फॉर्मूले स्ट्रांग नहीं होते वो तिलमिलाते रहते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या लिखूं? 1/1 + a2। अबे शर्म करो भाई, इनफाइनाइट सीरीज करी थी, उससे पहले पैरामेट्रिक करी थी और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये तीन चीजें पढ़ी थी उस दिन हमने। तो इनकी समस्याएं इकट्ठी कर रखी हैं। बताओ नंबर बोल रहे हो या फिर क्वेश्चन बोलोगे? नंबर 4, ठीक है। ये 4 नंबर कौन सी चीज का है? फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाले का है ये 4। इनफाइनाइट वाले का बोलना तो वो बोल दो, इनफाइनाइट वाले का, उसमें तीन जिसमें तीन वाली है वो चार चार पावर वाले। अथवा y इज इक्वल टू 10x की पावर 10x की पावर 10x, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक है, और हमसे कह रहा है कि dy by dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई by 4 आपकी 2 आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्या करते थे इसमें हम? y इज इक्वल टू, जैसे रिपीटिशन हो रहा होता था एक टाइम को रोक लेते थे और बच्चे को फिर से y ले लिया करते थे। तो log लेना पड़ेगा इसमें भी, तो ये बन जाएगा हमारा log y और ये y log 10x, सही है। log y का 1/y साथ में dy by dx, y ऐसे कैसा, log 10x का अपॉन में 10x, और 10x का फिर sec square x प्लस log 10x ऐसे कैसा, और y का हो गया हमारा dy by dx। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो dy by dx पहले निकाल लो फिर उसमें वैल्यू डाल दो जगह जगह, ये वाली पाई बाय 4, या सारे में ऐसे डाल दो पाई x की वैल्यू पाई बाय 4, फिर भी तो dy by dx निकलेगा ही। तो x की वैल्यू अगर पाई बाय 4 पुट करी जाए तो यहां पर 1/y, देखने जरा ये रहा y, y इक्वल टू 10x, 10 45 यानी 1 की पावर y, तो इसे y को तो क्या लिखूं, 1 कर दूं 1, ये बचा केवल यहां पर dy by dx, ये 1/10x। अच्छा sec square x upon 10x क्या बनता है पता है कुछ? ये साइन अपॉन कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, 1/ में साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तो 1 हो गया था, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 1 डाले अगर 45 डाले 10 45 1 एंड log 1 इज 0, उस 0 के इनटू में dy by dx तो 0 रहेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ना फॉर्मूला साइन 2x का होता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो है ना, तो dy by dx की वैल्यू 2/sin 2x, सिंपल ही तो करा तब भी आएगा वही, ये वाली वैल्यू 1 हो रही है। देखो मैडम x की जगह डालो 45 45 90, साइन 90 इज 1, तो dy by dx की वैल्यू 2 आ गई। देखो देखिए अगला, ये था हमारा छठा क्वेश्चन इनफाइनाइट वाले का। अब इनफाइनाइट वाले का 7 देखें, e की पावर x फिर उसकी e की पावर x प्लस x की पावर e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर x की पावर e, ये तीन प्लस में दी हुई है वैल्यू हमको, और प्रूव करने को कह रहा है बहुत बड़ी वैल्यू, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो वही आएगा जो तीनों का डेरिवेटिव करके आंसर आएगा, यानी एक तरह से फाइंड करने को कह रहा है हमसे भी, मांगे चलो। ठीक है, अब ये तो चल रहा है पता कि लॉग लेने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे दी हुई है, तो हम फिर भी इसे वाई यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लॉग लेना पड़ेगा हमको जगह जगह। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर वही डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, सही है। आप सेपरेटली सॉल्व कर दें, सबसे पहले यू ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, क्या लगता है सबसे पहले आपको, क्या मैं इसको लॉग लू या फिर ई की पावर एक्स मान के डेरिवेटिव कर दू? लॉग ले लें, बाकी लॉग नहीं कहना चाहेंगे कुछ? अगर लॉग लिया तो यहां पे लॉग आ जाएगा और ये पूरी पावर आगे आएगी, तो लॉग ई क्या बन जाएगा 1, तो केवल क्या बचेगा एक्स की पावर ई की पावर एक्स, नहीं किरण मैम ये पूरी वैल्यू आगे आएगी, यहां पे लॉग ई तो बचेगा एक यहां पर, तो 1 हो गया।
ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, या एक और बार लॉग लू, एक और बार ले लो, चलो लॉग ऑफ लॉग यू, जब लॉग यहां आएगा, जब लॉग यहां आएगा तो लॉग एक्स बचेगा ये, और ई की पावर एक्स आगे आएगा ना, आपको कोई डाउट ही नहीं लॉग लेने की। अब तो ई की पावर एक्स का मामला बताइए हमको, अगर डेरिवेटिव करें तो पहले क्या आएगा, वन अपॉन में लॉग यू, फिर लॉग यू का वन अपॉन में यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर टू लगेगा, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, और फिर लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब ये दोनों वैल्यू वहां जाएंगी तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, यू लॉग यू, देखो यहां पर देखो यू लॉग यू जाएगा ना यहां पर, तो पहले यू की वैल्यू क्या है, ये ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, फिर इनटू में लॉग यू, लॉग यू यानी ये एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स। अब अच्छा एक और काम कर लेते हैं, लो इन दोनों का भी ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो बचा वन अपॉन एक्स में प्लस में लॉग एक्स, ये आया देखो डी यू बाई डी एक्स, यहां पर चार है, एक दो तीन चार, यहां पर एक दो तीन और यहां पर दो। अब v का नंबर लगाएं, v v है हमारा x की पावर e की पावर e की पावर x, क्या करें log ले लें, log v। अब यहां e की पावर x, log x बचेगा कुछ और बचेगा चेक करो, अब इसमें फिर से log लो, या फिर इसके डेरिवेटिव के लिए आप e की पावर x मान लोगे इसको, एक और बार log लो, या हमने कसम खा रखी कि हम तीन पावर की पावर पावर को करेंगे नहीं, हम तो लॉग लेके आएंगे। चलो आसान कर देते हैं, लॉग ले लेते हैं, फिर तो आसान हो जाएगा, दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो एक बार आएगा पहले वाले के लिए और प्लस लॉग एक्स, सही है, मल्टीप्लाई वाली चीज प्लस हो जाएगी ना। अब तो ये पावर आगे ला सकते हो, ई की पावर एक्स को, ये ई की पावर एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ही वन हो जाएगा, यानी यहां पर बचा e की पावर x और यहां पर बचा log ऑफ log x और log ऑफ log v। अब डेरिवेटिव कर सकते हैं, पहले वन अपॉन v log v, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डी वी बाई डी एक्स, v log v, e की पावर x का e की पावर x, यहां पर वन अपॉन में पहले log x और फिर log x का वन अपॉन में x। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू ये x की पावर e की पावर x, log v की वैल्यू e की पावर x log x, और यहां पर है बस e की पावर x अपॉन में वन ये x log x, ये आया हमारा dv by dx, du by dx भी आ गया, dv by dx भी आ गया। अब नंबर लगाते हैं w का, बताइए यहां तक कोई समस्या, केवल log लेकर डेरिवेटिव करे जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है किसी स्थिति पर आके स्टेज पे आके लॉग लें या ना लें ये सिंपल हो जाएगा, तो छोड़ो टेंशन लॉग ले लो, छोड़ो टेंशन लॉग ले लो, उसे तो हो ही जाएगा। समस्या तब है कि लॉग लें तो कैसे होगा या फिर लॉग ना लें तो कैसे होगा, तो उसको टेंशन को दूर करने के लिए लॉग ले लो, उसे तो हो ही जाएगा, जो भी फालतू वैल्यू होंगी बाद में दिख जाएंगी आंसर में वो तो। लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, e की पावर x की पावर e, पहला काम log का, log w इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा ये पूरी पावर आगे आएगी ना देखो ये वाली, और log e वन हो जाएगा, यानी x की पावर e log e, और ये हिस्सा हो जाएगा वन, log e इज वन। तो अब ये बचा, अब मैंने कहा ना समस्या को दूर करने के लिए फिर से log ले लो, टेंशन ही खत्म करो, तो यहां पे फिर से log ले जाएगा, तो log ऑफ log w, यहां पे क्या बचेगा, ये तो हट ही गया, ये x की पावर e आगे आएगा इस बार, और एक होगा log x। अब डेरिवेटिव करें तो यहां पर तो dw by dx आएगा ही आएगा, और w log w जो वन अपॉन वाले थे वो इंटू में आ गए ऊपर यहां पर, और यहां पर टू लगेगा तो x की पावर e कांस्टेंट अपॉन x, वन अपॉन log x का वन अपॉन x, फिर log x कांस्टेंट, इसका बताओगे x की पावर e का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n वाले तरीके से करना है इसे, तो आएगा e x की पावर e माइनस वन। अब ये दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं बस, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू e की पावर x की पावर x की पावर e, log w यानी
एक्स की पावर ई, फिर ये हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे देखना, ये वाले एक्स को ऊपर भेज दूं, एक्स की पावर ई माइनस वन हो जाएगा, ये तो साथ में है ही है। अरे यहां भी एक्स की पावर ई माइनस वन दो, कॉमन ले लो फिर, एक्स की पावर ई माइनस वन कॉमन लिया तो यहां बचा वन केवल और यहां बचा प्लस का केवल लॉग एक्स। तो आंसर हमारा क्या आया, ये प्लस ये और प्लस ये। अब मैच करूं क्या, जो प्रूफ दैट वाली लाइन थी उससे मैच करते हैं। चलिए सबसे पहले ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स की पावर ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये ठीक है। फिर उसका नंबर लगाते हैं, एक्स की पावर ई की पावर एक्स, ई की पावर ई की पावर एक्स, फिर लॉग एक्स तो नहीं है, वन अपॉन एक्स है प्लस ई की पावर एक्स लॉग एक्स है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसने ना अगर हम इस लॉग एक्स को अंदर भेज दें तो ई की पावर एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, वो है, और फिर ये यहां जाएगा तो वन अपॉन एक्स आएगा, इसने वो कर दिया, इसने इस वाले लॉग एक्स को ना अंदर भेज दिया तो यहां पर आ जाएगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स, और यहां पर इससे कट नहीं जाएगा तो केवल वन अपॉन एक्स आएगा, यानी दूसरा भी ठीक है, हमने कॉमन लेके बाहर निकाल रखा है। तीसरे वाले में देखिए तो e की पावर x की पावर x की पावर e, x की पावर x की पावर e, x की पावर e माइनस वन, वन प्लस e, कहां से आ गया ये, अच्छा मैं लगाना भूल गया, ये वाला e मैं यहां पर लिखना भूल गया, ये x की पावर e माइनस वन तो बाहर आता, ये इधर आना चाहिए ना यहां पर, बस ठीक है, ये प्लस ये कर दो, तीनों आंसर आ गए। लेकिन आप इसको डिफिकल्टी कैटेगरी में डालो, बस पावर भले ही तीन चार दिख रही है लेकिन ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। चलिए इनफाइनाइट के अलावा था आपका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाली क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाले का आपने बोला हुआ चौथा और छठा। तो पहले फोर्थ करते हैं, लो फोर्थ में हमसे कह रहा है डिफरेंशिएट करिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। एक बात तो पहले ही बताई गई है कि अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन को चेंज करने वाले क्वेश्चन कर रखे हैं तो ही यहां पर दो पार्ट करना, नहीं तो बोर्ड में नहीं आते वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखे हुए, आपको तो केवल इनका डेरिवेटिव करना है बस। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको ले लेंगे हम यू, इसको ले लेंगे वी। अब बताओ यू को सॉल्व कैसे करोगे, एक्स की जगह पर यहां साइन है ना तो कॉस पुट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा पड़ेगा, एक्स की जगह पर डाल देते हैं कॉस थीटा, तो यू इज इक्वल टू, रिया मैडम कह रही होंगी क्या चल रहा है साइन कॉस, मैडम यहां साइन इनवर्स है तो सॉल्व करके साइन चाहिए हमको कुछ भी यहां पर, तो अगर साइन डालेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस आएगा फिर यहां पर, इसलिए यहां पर कॉस पुट कर रहे हैं ताकि वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के रूट से बाहर आके साइन बने और इनवर्स साइन हट सके, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ ये बन गया केवल साइन थीटा यानी थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी कॉस इनवर्स एक्स, और डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू ये। अब एक बार सोच के देखो, क्या वी का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लें, वी का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लें, उसमें थोड़ी जरूरत है पुट करने की कुछ, जी आप बीच में गायब थी ना, ये सारे हमने लिखवाए गए हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स सारे लिखे हुए हैं, इससे देख लेना। बताओ आंसर क्या आएगा भाई, डी यू बाई डी वी विल बी वन। अब सेवंथ वाला कराऊं, सेवंथ सिक्स वाला कराऊं, हाँ वही ना, आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है एक जगह पर, अब मैंने पहले ही बोला है जब क्या आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो आपको एक्स को टेन थीटा ही पुट करना होता है या फिर कॉट थीटा, तभी तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा मिल पाती है। पांचवे क्वेश्चन में साइन इनवर्स ब्रैकेट में फोर एक्स रूट में, ठीक है एक तो ये हो गया, ये लीजिए यहां तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, देखो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो सारा खेल यहां पर सोचने का। देखो अब ध्यान से जरा, अगर मैं इसको यू मान के यहां देखो रिया मैडम, अगर इसको ना आप एक चीज पहचान लो, जब भी आपको एक रूट मिले और बाहर टू या फोर या कुछ वैल्यू मिले तो ये ना टू साइन थीटा कॉस थीटा बनता है हमेशा, लेकिन
आप यहां पहचानो कि 1 माइनस किसका स्क्वायर करोगे, इसको किसका स्क्वायर लिखोगे, केवल 2 का कैसे लिख सकते हो, पूरे को देखो ना, 2x का स्क्वायर, और फिर अगर 1 माइनस आप इसको, इसको 2 लिखो, एक 2x यहां भी चाहिए फिर वही चीज, और इसे लिख दो 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अब चेक करो क्या आप इस 2x को sin थीटा ले सकते हो, अगर लिया तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, यानी cos थीटा बन जाएगा केवल रूट के बाहर आके, और ये sin थीटा है ये, तो 2 sin थीटा cos थीटा, आ गया समझ में। तो ये बात ध्यान रखो, ऐसी वैल्यू जब भी आती है तो ये कुछ तिकड़म बिड़ानी पड़ती है ये वाली। तो u इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा, और ये वाला रूट बन जाएगा केवल cos थीटा, तो sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा यानी केवल 2 थीटा, तो 2 ऐसे कैसे थीटा की वैल्यू यहां से निकले, तो देखना थीटा की वैल्यू, अब डेरिवेटिव कर दें, du बाई dx बताओ क्या आएगा, 2 अपॉन रूट में 1 माइनस पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव भी होगा 2x का, जो कि क्या बना देगा इसको ऊपर वाले को 4, इसका भी कर दो, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, dv बाय dx, इसको v माना होगा ना, रूट एक्स वाली फॉर्म है ये, तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस का 8x, इसका 0 माइनस का 8x, और इससे कट गया 4 टाइम्स। अब जब आप du बाई dv निकालोगे तो ये वाली वैल्यू पहले लिखूं, 4 अपॉन रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन ये वाली माइनस का 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर, इस रूट से ये रूट कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, आंसर विल ओनली बी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये त्रिकोण बिठाना कोई बड़ा काम है नहीं। आज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू नहीं करते, ये भी छोड़ रखी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला ही खत्म करते हैं आज, ऐसे वाले और अथाह क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने वो सारी एक्सरसाइज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम भी फोटो भेजी थी, ध्यान है, जिस टाइम हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उस टाइम भी मैंने होमवर्क भेजा था पूरी एक्सरसाइज का, मैंने कहा था एक आठ डेरिवेटिव वाला, यस ये डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है, आज उठाते हैं फिर से, चलो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टॉपिक हमने छोड़ा हुआ था एक बस, क्यों छोड़ा हुआ था, क्योंकि इसके टॉपिक के मतलब का आधा काम तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं यहाँ पर, ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने भले ना पढ़ा हो, लेकिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन हम आज जिनका डेरिवेटिव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चंस का, हमने वो सारे एक बार पहले ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करे हुए हैं, एक बार तो पहले करे हुए हैं, उस टाइम रिया जी भले नहीं थी यहां पर। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2, और क्या रहा है डी वाई बाई डी एक्स ढूंढो, पहला ही क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। अब जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी है अभी तक, वो क्या करेंगे, यस चेन रूल, साइन इनवर्स मान के एक्स ले लेंगे और चेन रूल फेल देंगे और भर देंगे एक या दो पेज, और तब भी छोटा सा आंसर आने का नहीं उनका, आंसर इसका छोटा सा 1/2, 1/4, x/4, x/2, 1/2, 1/2, 2/2 ऐसे कुछ आंसर आएगा छोटे छोटे सबके, कैसे हाँ बताओ भाई, साइन इनवर्स है यहाँ पर, तो इस पूरे को सॉल्व करके हमको साइन लाना है, और वो साइन 1 के साथ में क्या लट करें, इसे cos 2 थीटा चेक कर लो भाई, cos 2 थीटा पुट करके देख लो, y इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां पे cos 2 थीटा पुट किया तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करो 1 काटने वाला, और अपॉन में 2 ऐसे कैसा, पहले 1 से 1 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, अब sin स्क्वायर का रूट हट गया, बचा केवल क्या, sin इनवर्स के पास में sin थीटा, तो y की वैल्यू क्या आई, केवल थीटा, और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे पहले कॉस इनवर्स जाएगा इधर, और फिर 1/2, यानी हाफ कॉस इनवर्स x, तो डेरिवेटिव करना कोई बड़ा काम नहीं है, 1/2 ऐसे कैसा, और कॉस इनवर्स का तो ये होता ही है माइनस के साथ खत्म। जब तुम लोगों ने ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था तो तुम लोगों ने यहां छोड़ा था ये क्वेश्चन, बस एक एक लाइन फालतू हो गया हर क्वेश्चन में, समझ में आए, x की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है कि ये 1, 2 और रूट सब हट जाए और सिंपलीफाई करके साइन बने, तो ऐसा तो कॉस्ट टू थीटा का फॉर्मला होता है, इससे 1 कट जाता है आराम से, हमने पुट करके देखा और काम बन गया, अगर ये पुट करने पर फिट ना हो रहा होता तो फिर हम कुछ और ट्राई करते और करते रहते जब तक हमें कुछ फिट ना बैठ जाए। क्या करा इसमें, अगर ये tan इनवर्स है तो ये पूरा tan आना चाहिए, और tan तब आएगा जब ऊपर साइन हो और नीचे cos हो, तो साफ चल रहा है पता है x की जगह पे हमें sin थीटा पुट करना है, तो sin आएगा ऊपर, यस बिल्कुल,
जब क्वेश्चन में ए होता है तो हमें लेट करते वक्त साथ में ए भी लेना पड़ता है। अगर यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो फिर एक्स की वैल्यू केवल साइन थीटा लेट करते। अब ए भी है ना, तो हम जब लेट करेंगे तो ए साइन थीटा लेट करेंगे। देखो उससे फायदा, वाई इज इक्वल टू ये टेन इनवर्स ऐसे कैसा ऊपर रखा ए साइन थीटा, नीचे रूट में ए स्क्वायर माइनस, जब एक्स की वैल्यू डलेगी तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ए बनेगा, उस ए से ये ए कट जाएगा, तब बचा साइन थीटा और अपॉन में रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर जो कि हो जाएगा कॉस थीटा, रूट के बाहर कॉस बन जाएगा ना केवल, तो इसे हम टेन इनवर्स ऑफ केवल टेन थीटा बोल पाएंगे। तो वाई इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पहले ए अपॉन में आएगा और तब साइन इनवर्स आएगा इधर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब डेरिवेटिव करें इसका, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन रूट में वन माइनस इंटू, फिर एक्स अपॉन ए का भी करना पड़ेगा जो कि वन अपॉन ए आएगा। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो ये क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, फिर नीचे वाला ए स्क्वायर रूट के बाहर निकल के ऊपर ए बनेगा, अब वो ए इसको काट देगा, यानी आंसर केवल और केवल बच रहा है वन अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर केवल। यहाँ पर ए स्क्वायर का ए ऊपर आएगा, वो ए इसको काट देगा। फिर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू, आएगा ध्यान, ये वाला ध्यान आ रहा है क्वेश्चन को देख के कुछ, ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस वाले फॉर्मूले बनते थे कुछ, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, एक बार साइन एक्स के साथ ले लो वन अपॉन रूट टू को, एक बार वन अपॉन रूट टू को कॉस एक्स के साथ ले लो, आया ध्यान कुछ। अब बताओ क्या करते थे फिर, ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर कॉस वाला फॉर्मूला बना लीजिए, कॉस ए यहाँ से शुरू करते हैं, ये कॉस ए है तो इसको कॉस के फॉर्म में क्या लिखेंगे, वन अपॉन रूट टू को कॉस 45, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी वाला फॉर्मूला बनने वाला है ये। तो अगर ये कॉस इनवर्स ऐसे ही है, यहां से पढ़ रहे हैं शुरू कर रहे हैं हम कॉस एक्स, इसको लिखा कॉस 45 प्लस, फिर ये साइन एक्स ऐसे छोड़ दिया, इसको साइन में क्या लिखेंगे, साइन 45, अब बन गया ना पूरा मामला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा अलग टॉपिक है ये, इस अकेले टॉपिक के अंदर दो टॉपिक मिक्स हैं, डेरिवेटिव भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, तो जब ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना आज जो हम कर रहे हैं और आपको देंगे करने के लिए, तो मैंने कल भी कहा था आधी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी आपकी, जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो सारा आप यहीं खत्म कर लोगे, जैसे इन लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में खत्म कर दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव वाला था पार्ट, इन लोगों ने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, इनको फोटो भेजी थी हर क्वेश्चन की, वो बात अलग है, इन्हें आधे ध्यान आ रहे होंगे आधे ध्यान नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सारे कर रखे हैं ये वाले क्वेश्चन एक बार, मैं तो केवल कौन सा स्टेप करवा रहा हूं इसके बाद वाला, यहां तक इन्होंने सारे कर रखे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं एडिशनल हम बस, ठीक है। हाँ जी, अब अगर बताओ इससे ही दोनों हटे तो वाई की वैल्यू क्या बचेगी, केवल इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट तो किया नहीं हमने, जो हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स डालेंगे अब यहां पर, तो केवल आपके हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी बस, फाइव फोर जीरो हो ही जाएगा। ये वाला कैसे होना चाहिए, ये कुछ कुछ वैसा ही नहीं है उस वाले की तरह, यहाँ टेन इनवर्स है तो साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, तो हिंट मिल रहा नहीं मिल रहा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, साइन थीटा, तो इसे वाई ले लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऊपर आ गया साइन थीटा वन प्लस। रिया मैडम आप बताइए, जब ये साइन थीटा यहां पुट करोगी तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, केवल कॉस थीटा। अब कौन बताएगा कि क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करते करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला खोल के वन काटना पड़ेगा और यहां भी साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे, तभी तो ऊपर नीचे कटेंगे। देखो हमारा अल्टीमेट गोल तो एक ही है, क्या ये टेन इनवर्स है ना, तो पूरे को सॉल्व करके टेन आना चाहिए यहां से, उसके लिए हमसे एडी चोटी का जो हो सके जोर हम लगाएंगे, तो ये तरीका तो यही है भाई कि ये टेन इनवर्स ऐसे कैसा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल, फिर टू से टू कैंसिल, फिर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, अब देखो साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू बन गया, नहीं बन गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय टू, टेन थीटा हट गया तो केवल क्या बचा थीटा बाय टू,
अब y इज इक्वल टू 1/2 ऐसे, कैसा थीटा की वैल्यू है हमारी साइन इनवर्स x, तो डेरिवेटिव आपको दिख गया होगा ठीक है, पहले ये लिखा था ना मैंने, इसे करो ठीक है, दोनों कर दो ऐसे से करके ऐश्वर्या कह रही मैं दो दिन के लिए क्या गई, समझ में ही नहीं आ रहा यार कुछ, तो देख क्या ही है इतनी खामोश कैसे बैठी है फिर, अब ये टेन इनवर्स है तो फिर से बात वही है, ऊपर साइन आना चाहिए नीचे कॉस आना चाहिए, तो आप बताओ ऊपर पूरा साइन थीटा चाहिए क्या, 4x को साइन थीटा मान लें, अगर 4x को साइन थीटा मान लिया तो नीचे तो 1 माइनस टेन का स्क्वायर तो नहीं बोल लेंगे इसको, फिर हम 4x का स्क्वायर तो फिर 16x स्क्वायर होना चाहिए था यहां पर, तब होता तो वो तो हम इसे 2 into 2x लिख लें, अगर देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 into 2x लिख लें, और क्योंकि ये 2x का ही स्क्वायर है ना इसलिए कह रहा हूं, ये वाली वैल्यू 2x का स्क्वायर है, अब देखो कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए 2x को आपको tan थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये sin सॉरी tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा 11th क्लास ठीक है, तो क्या बना क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, तो y की वैल्यू केवल क्या आई 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स 2 इंटू x है ना शायद, हाँ 2x, अब डेरिवेटिव कैसे होगा, अरे नितिकांशा जी वीडियो में हिस्सा ही वाला है ना देखना, है ना, तो डेरिवेटिव 2 अपॉन इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 4x स्क्वायर, और फिर 2x का भी तो होगा जो कि आ जाएगा 4, ये ऐसा नहीं आ रहा यार, पिछले क्वेश्चन में तो मैंने और आगे तक लिख दिया था शायद, जैसा मामला यहां लग रहा है कुछ कुछ ऐसा यहां भी लगेगा, इसमें 2 की पावर अलग कर लें, चलो 2 की पावर x अलग करा और एक 2 अलग करा 1 माइनस, इसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर, चेक करो बिल्कुल, इसको फिर से ले लो tan थीटा, तो क्वेश्चन है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर से वही फॉर्मूला, वहां पे 2 इंटू x को लिया था tan थीटा, यहां पे 2 की पावर x को tan थीटा लेना पड़ रहा है, तो 2 की पावर x को लिया हमने tan थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या आया tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, तो dy by dx क्या आना चाहिए भाई, 2 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर, और 2 की पावर x का स्क्वायर वही आएगा 4 की पावर x जो था यहां पर, देखो हमने इसको तो 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा था, इन टू 2 की पावर x का भी तो करना पड़ेगा, 2 की पावर x log 2, ये a की पावर x वाली तो फॉर्म है, और a की पावर x का a की पावर x log ही होता है, एक काम और कर सकते हो, या तो जगह नीचे आप ये 2 और ये 2 दोनों मिला के 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकते हो, तो आंसर आया dy by dx equal to 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, रिया कह रही रुक नहीं रहे, कराए जा रहे, एक मिनट की सांस नहीं आ रही आज, ले लो सांस ले लो, इंक भर के लगते हैं इसमें, और अगला है y is equal to tan inverse रूट के अंदर 1 इसका 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ax, एक क्वेश्चन ये रहा, अगला है y is equal to cos inverse 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, हाँ जी कैसे करा जाएगा, 1 प्लस जो ax का स्क्वायर यहां पर है वही वाला ax नीचे है, और मैंने आपसे बोला है रूट के अंदर जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आती है तो हम x को tan थीटा लेते हैं या फिर, लेकिन यहां पर ax इकट्ठा है इसलिए पूरे ax को ले लो tan थीटा या cot थीटा, तभी तो 1 प्लस यहां पर tan स्क्वायर आएगा जो कि sec स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर निकल के sec बन जाएगा, ax की जगह पे tan थीटा, इसे क्या लिखेंगे हम, इसे पूरे को ax का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो उसे ax को tan थीटा लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं पढ़ा जाएगा ये, और 1 प्लस tan स्क्वायर इज
तो sec स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा ना, रूट हटाना भी तो हमारा एक मोटिव होता है। हम लेट करते हैं इस तरीके से कि रूट हटे, जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक वो सॉल्व नहीं होगा ना साथ में, ठीक है। देखो जरा लो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा यानी sec थीटा बन गया केवल, tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, साइन कॉस में चेंज कर लें, बता दो क्या बनेगा साइन कॉस में चेंज करके, इसे पहले लिखा हमने साइन वन अपॉन कॉस, फिर एलसीएम लिया तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस इसका और साइन अपॉन कॉस का, एक कॉस कट गए होंगे तो ये बचेगा बस। अब इसको पूरे को सॉल्व करके फिर से हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाने के बाद टेन लाना पड़ेगा, जैसे थोड़ी देर पहले किया था, तो कॉस का कौन सा वाला फॉर्मूला खोलूं, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin² थीटा बाई 2, और साइन का तो एक ही खुलता है 2 sin θ/2 cos θ/2 वाला, 1 से 1, 2 से 2, 1 sin से 1 sin, साइन अपॉन कॉस 10 बच गया और बाहर भी 10 है तो केवल क्या बचा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 ऐसे कैसा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए tan इनवर्स ax। अब करते हैं डेरिवेटिव, 1/2 ऐसे कैसा, 1 प्लस इसका पहले आया a² x² और फिर ax का डेरिवेटिव a, ये रहा आंसर। dy by dx की वैल्यू आई a/2 1 प्लस में a² x², जिसका ये हो गया वो इसे सोचना शुरू कर दे, x की पावर 2n को क्या लेंगे, 1 माइनस tan थीटा बनेगा, फिर तो x की पावर 2n को नहीं ले सकते ना, और सोच फॉर्मूला तो बनेगा, थोड़ा सा गलत कर दे तो थोड़ा सा, लेकिन किस चीज को tan थीटा लेंगे, x की पावर n को लो, x की पावर 2n को मत लो, वो 2 बाहर भेजो ना, स्क्वायर बनाओ उसका, हाँ भाई x की पावर 2n को x की पावर n का अंदर का 2 को बाहर कर दिया, ताकि हम x की पावर n को क्या ले सकें, tan थीटा, तभी तो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये पूरा फिर cos 2 थीटा कहलाएगा, जिसके 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले स्ट्रांग होते हैं, वो अपने आप ही ना इसे पहचान लेता है कि यहाँ कॉस इनवर्स है, तो उसको ना हल्की हल्की धुंधली झलक दिख रही होती है इन फॉर्मूलों के अंदर, सेम काम यहाँ पर था, जिसके भी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होगी वो अपने आप ही ना दिखेगा कि यार ये तो कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ हल्की हल्की इमेज दिख रही होगी उसे कि ये 1 माइनस tan² वाली फॉर्म दिख रही है, 1 प्लस tan² वाली फॉर्म दिख रही है, लेकिन जिसके वो 11th वाले फॉर्मूले स्ट्रांग नहीं होते वो तिल मिलाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और चेन रूल के सपने आते हैं उनको, चेन रूल, और इसमें चेन रूल लगाने का मतलब 2 पेज के बाद भी आंसर आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है ना, 2 पेज के बाद भी आंसर आए कम से कम नंबर तो मिलेंगे, गारंटी तो उस चीज की भी नहीं है कि 2 पेज के बाद उनका नंबर आंसर पूरा आ जाएगा, बहुत समस्याएं हैं भाई, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो इस जगह बहुत परेशान होता है कैलकुलस के इस पार्ट में। खैर यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे कैसा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, tan इनवर्स x की पावर n, अब डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ जगह है क्या, है ना, हाँ, तो 2 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर x की पावर 2n जैसा वहां था, इनटू x की पावर n का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा n x की पावर n माइनस 1। अगर ये क्वेश्चन तब ना किए होते ना जिस टाइम यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें तब ना करवाए होते तो आज जल्दी ना और होते सारे क्वेश्चन, ये आज हम फिर आराम आराम से इतनी जल्दी क्या है भाई ऐसे कर रहे होते क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन करवाता और फिर तुम 2 बार पूछते, सर ये क्यों, इसमें कॉट क्यों नहीं रखा गया, इसमें साइन क्यों नहीं रखा हमने, साइन से भी तो हो सकता था, इसी में लगे रहते फिर हम, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ax, सोचो डेरिवेटिव कैसे होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी tan एक्स a माइनस बी tan एक्स, a माइनस बी नहीं है यहां पर, यहां पर b माइनस ए है, हाँ जी इसे सोचो पहले क्या बन सकता है, मैडम क्या कुछ कह रही थी आप, ये एक पकाया पका फॉर्मूला है इस चीज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा,
क्या था फॉर्मूला? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, चेक करो है कि नहीं है। ये तो पक्का पकाया फॉर्म है, इसके बाद तुरंत ये लिखो रिया जी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में वन माइनस ए बी। और डेरिवेटिव करें इसका, जैसे फिर इसका डेरिवेटिव क्या लिखो, वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। अबे शर्म करो भाई, इसका भी डेरिवेटिव बोल रहे, ये तो ए है, ये आया आंसर। देखें ये पहचान में आ रहा है तुम्हें, ए प्लस बी टेन एक्स अपॉन में बी माइनस ए टेन एक्स। कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? देखो अगर आप इस वाले में भी ये वाला हमला लगाना चाहते हो, ये वाला, उसके लिए यहां वन चाहिए, वन, बस यहां वन बना लो किस तरीके से। यहां वन कैसे आएगा बताओ, जब हम बी से डिवाइड कर लेंगे, जब हम बी से डिवाइड कर लेंगे दोनों को ऊपर नीचे, देखें जरा क्या बनेगा फिर, ये टेन इनवर्स ये बनेगा ए अपॉन बी, वो बनेगा केवल टेन एक्स, वन माइनस ए अपॉन बी टेन एक्स। चेक करो बना के नहीं बना वो वाली चीज फिर से, वन माइनस दोनों चीजें इंटू में आ गई, नहीं आ गई। तो इस पूरे को हम लोग टेन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, यानी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस का एक्स लिख सकते हैं क्या? ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, आपको यहां नीचे वन चाहिए होता है, उस वन को हमने डिवाइड करके बना लिया। उसके बाद चेक करो जो दो वैल्यू ऊपर होती है, देख रहे हो जो दो वैल्यू ऊपर होती है वही वाली वैल्यू वन के माइनस में चाहिए होती है। फिर अगर ऊपर प्लस में है तो, अगर प्लस में है तो वन माइनस में वही दोनों चाहिए, अगर माइनस में होती ये वन प्लस में वही दोनों चाहिए होती। अगर ऐसा होता है तो ही ये हमला बन पाता है। वहां भी देखो ये था, जो दो वैल्यू ऊपर प्लस में थी वन के माइनस में दोनों इंटू में आ गई थी, तो इसलिए बन गया फॉर्मूला। अब जरा बताओगे डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, इसे क्या लिखूं, इसका जीरो लिखूं, हाँ, और इसका। अब तुम एक बात बताओ, जो बच्चे इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, एक दो तीन चौथी लाइन में आंसर आ गया हमारा, जो बच्चे इसको इस मेथड से नहीं करेंगे और यहां पे चेन रूल लगाएंगे, तुम्हें क्या लगता है वो कितनी मेहनत करेंगे और वन ला पाएंगे? मुझे लगता है वो कितनी मेहनत भी कर ले वन आएगा उनका। भाई टेन इनवर्स एक्स मानना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले वन अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इंटू में इसका डेरिवेटिव यानी कि क्वेश्चन रूल लगाएंगे और फिर लगे रहेंगे कॉपियां भरने में। और ऐसा तो नहीं सकता, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व करें और छोटी सी वैल्यू आए बिना गलती के, मुश्किल है। इसलिए इस टॉपिक के लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी जरूरी है। एक और लिख दें, टेन इनवर्स 5x अपॉन 6x स्क्वायर। हाँ जी, ये फिर से 1 प्लस दिख रहा है तो कुछ फॉर्मूला हो सकता है ना, वो वाला क्या बोला था उसके लिए मैंने, अगर यहां 1 प्लस है तो जो दो चीजें यहां इंटू में है वही दोनों चीजें ऊपर क्या होनी चाहिए थी, माइनस में, यहां प्लस है ना माइनस में, किन दोनों की इंटू करके आएगा ये 2x और 3x, उन्हीं दोनों को ऊपर माइनस में लिख लो। अगर बन सकती है ना फॉर्म, 3x माइनस 2x लिख लें ऊपर और इसे 3x इंटू 2x लिख लें अगर, तो बन गए नहीं फॉर्म। देखो जो a माइनस b ऊपर है, 1 प्लस वही दोनों चीजें इंटू में है, तो इसे हम y मान रखा था इसे, तो y इक्वल टू 8 को लिखते हैं टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स 2x। अब हम बड़ा आराम से डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, ये चाहो तो इसका एलसीएम ले लो और चाहो तो अगले को देखो। अब अगले में तुम लोग मेहनत कर सकते हो थोड़ी बहुत, कुछ कुछ ऐसे ही फॉर्म है। बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो, टेन 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 इसको क्या करते करना चाहिए, उससे कंपेयर करो। बस नीचे माइनस है तो जो दो चीजें हैं मल्टीप्लाई में वो दोनों ऊपर प्लस में चाहिए इस बार, और फाइव कब आएगा, 3x प्लस 2x है, उन्हें दोनों से इंटू हो रही है, तो y इज इक्वल टू, y मान लें से टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, तो y इज इक्वल टू बनाइए टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x। अब डेरिवेटिव मैं करूं,
या फिर से ये वाला लिख दो के प्लस लगा के बस, यही वाला आ जाएगा प्लस लगा के। तो जी ये है देखो बढ़िया सा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया अब। इस पूरे का डायरेक्टिव करना है, सबसे पहले कहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे इसे, सबसे अंदर से, यहां से ये बाहर टेन इनवर्स है ना, फिर अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि टेन बन जाए। और जब भी आपको वन माइनस में एक्स और वहीं वन प्लस में एक्स मिले तो हमेशा एक्स को कॉस टू थीटा ही पुट करा जाता है, ताकि वन माइनस कॉस टू थीटा फॉर्मूला पता है कॉस का वन काटने वाला, वन प्लस कॉस टू थीटा फॉर्मूला पता है कॉस का वन काटने वाला। देखो गारंटीड यहां पे टेन या कॉट बनेगा, टेन बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कॉट बना तो भी हम उसे टेन नाइनटी माइनस थीटा लिख सकते हैं बाहर वाले टेन के लिए। करिए सॉल्व करें, वाई इज इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स रूट में वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला खोला ऊपर, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला फॉर्मूला नीचे खोल दिया, यहां वन से वन, यहां वन से वन कैंसिल, उसके बाद टू से टू कैंसिल। अब देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर रूट के बाहर आके टेन थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे टेन इनवर्स से टेन, केवल बचा गया टू थीटा है ना। तो वाई इज इक्वल टू साइन ऐसे के ऐसा और टू थीटा। क्या अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, जरा बुद्धि का इस्तेमाल करो, वाई इज इक्वल टू साइन है और यहाँ टू थीटा, क्या हम इसका डेरिवेटिव कर लें, नहीं, बताओ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन में थीटा नहीं है, डेरिवेटिव तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो थीटा की वैल्यू निकालो, या फिर एक काम करो, रुको, थीटा की वैल्यू निकालने से अच्छा अगर आपको कॉस टू थीटा की वैल्यू एक्स पता है तो सीधे साइन टू थीटा की निकाल लो ना, ट्रायंगल, अरे बचपन का खेल टेंथ क्लास वाला, कॉस टू थीटा की वैल्यू एक्स है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वन हुआ, तो ट्रायंगल बना के क्या आप साइन टू थीटा निकाल सकते, बता दो जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से बताओ, अरे बनाओ ट्रायंगल जल्दी बताओ, देर हो रही, ट्रायंगल बनाना इसका, देख ये एंगल ले ले टू थीटा, तो टू थीटा के लिए कॉस तो ये बेस हो गया एक्स और हाइपोटेन्यूज वन, तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब दसवीं की चीज सिखानी पड़ रही बारहवीं वालों को, अब साइन टू थीटा बताओ क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से, यही तो आएगा वैल्यू, तो इसका डेरिवेटिव करना है बस हमको, मतलब हमें इसका ना करके केवल इसका डेरिवेटिव करना है। और ये रूट एक्स वाली फॉर्म है, बताओ क्या डेरिवेटिव, यहां का टू और फिर एक्स स्क्वायर का माइनस का टू, एक्स का टू टू कट गए तो आया बस माइनस का एक्स अपॉन में ये। एक क्वेश्चन लिखो भाई, थोड़ा लंबा है, मैडम लिखो, इफ इफ द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस बी एक्स टेक द वैल्यू वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रूव दैट वन प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अगर हम इसको वाई ले लें तो हमें गिवन क्या है, ये क्या कहा उसने हमसे, इसका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो वन वैल्यू लेता है, ये वाली तो गिवन है, तो प्रूव करो वन प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। करें शुरू, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, उस डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू जीरो डाल देंगे और पूरा क्या ले लेंगे इक्वल टू वन, और फिर वन प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी लेके आते हैं। चलिए डेरिवेटिव करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला सब्स्टिट्यूशन, तो वन अपॉन में वन प्लस इसका स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, केवल बी, दोबारा सोच बी। अब इसकी वैल्यू वन लेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन है, यानी इसकी वैल्यू वन होगी जब व्हेन एक्स जीरो होगा तो डी वाई बाई डी एक्स वन होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का अगर वन ले लें तो बी अपॉन वन प्लस ए, ये एक्स जीरो होने के चक्कर में बी का आया नीचे वाला, तो केवल ए का स्क्वायर तब भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वन प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी, देखो कितना आराम से आया। और वैसे क्वेश्चन थ्योरी में था इसलिए कुछ बच्चे बहुत देर लगाएंगे सोचने में, इसे कह रहा हूँ ये पता है ना, बच्चों की मानसिकता समझ में आती है और दूसरा काम थोड़ी करते हैं हम, कुछ खास बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया था इसलिए परेशान कर रहा था। अब इसका एमसीक्यू बड़ा आराम से बन सकता है कि ये सब दे रखा है, अब बताओ वन प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक ऑप्शन में बी, एक में जीरो, एक में वन, एक में बी स्क्वायर, ऐसे करके देखो ऑप्शन वो, और देखो ना एक दो दो तीन लाइनें तो लगी बस, और करने को बैठे बच्चा को डेरिवेटिव
तो हार्डली एक मिनट भी नहीं लगेगा। मुझे समझ आ जाना चाहिए कि ये चीज दे रखी है हमको और कैसे यूज करना है इसका। क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 3 की पावर x / 1 + 36 की पावर x। और बस CBSE 2013 थोड़ा सा क्या कर दूं सोचने दो। अच्छा ठीक है, सबसे पहला काम वही है कि साइन इनवर्स के बाद इसे 2 की 1 2 अलग करा और 1 2 की पावर x, ये 3 की पावर x, 36 को चलो 6 की पावर 2 लिख लो और वो x ऐसे कैसे अब ठीक है, अब कुछ ठीक है। चलिए अब अगर आप यहाँ साइन इनवर्स में 2 tan थीटा बनाए तो अपॉन में 1 + tan² θ वही वाला बनना चाहिए। तो ये 2 ऐसे कैसा, ये पूरी वैल्यू को हम 6 की पावर x लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर भी है, 3 की पावर भी है, 6 की पावर x, 1 plus। अब इसे बताओ अगर मैं इस x को अंदर लाऊं और 2 को बाहर करूं तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? बस इसे ऐसे कर दिया स्वैप और अब हम बड़े आराम से 6 की पावर x को tan थीटा क्या tan x tan थीटा ले सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना है हमारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan θ / 1 + tan²θ जो कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2θ होता है, ये दोनों चीजें हट गई तो केवल क्या बचा 2θ। 2 ऐसे कैसा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 6 की पावर x, और अब डेरिवेटिव करा जाए अगर 1 plus इसका स्क्वायर आएगा ना अपन में 6 का, ये 6 की पावर x का स्क्वायर, 6 की पावर x का स्क्वायर, ये का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात तो की है इनटू रिया मैडम 6 की पावर x का डेरिवेटिव भी होगा फिर से, जिसे हम 6 की पावर x बोलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आपको आज मिलेंगे, फोटो आपके पास है, दोबारा भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब 1 हफ्ते की छुट्टी है, जब हम लोग 1 हफ्ते बाद फिर से मिलेंगे तब इसके जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो, और हम लोग करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसके जितने पार्ट बचे हुए हैं वो वीडियो के वो सारे कवर कर लेना अपना देख देख के भैया, जैसे आपकी कुछ छुट्टी छुट्टी हुई है आप सारी कवर कर लेना उनको, ठीक है? तो नहीं हो सकता है पूरे ना करे, पूरे कर लिए ठीक है, आपके नहीं, आपका तो ठीक चल रहा है, जो छुटा हुआ उसकी वीडियो नहीं है ठीक है। चलो बंद करें, बहुत आज के लिए।